हाय, मेरा नाम रमेश पटेल है और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ और मैं यहाँ पर बहुत दिनों से करीबन 20 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को यानी आने वाले जनरेशन को कुछ बताना चाहता हूँ जो उनके फ्यूचर में उनके भविष्य में बहुत मदद कर सकता है। अब आप मेरी कहानी को शॉर्ट में सुनेंगे। आपका जो एजुकेशन
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप भी 2002 में आपने जैसे बोला 2000 में सर आपने जैसे बोला कि आपने क्लास चालू की आपके जो फ्रेंड है उससे बोल रही थी उन्होंने आपको आइडिया दिया तो 2000 से अभी 20 साल ऑलमोस्ट हो गए 20 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं तो आपको कैसा फील होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कुछ लोग आपसे मिलने भी आते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है बीइंग अ टीचर तो अब आपको कैसा फील होता है जब वो आपसे मिलते हैं जब हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं और जब मिलने के लिए आते हैं एक बहुत अच्छा उसमें कि लोग बता नहीं सकते कितना अच्छा लगता है ऐसा लगता है जैसे कि हम टीचिंग फील्ड में आए ना जैसे हमें हमारे लिए समझो कि आशीर्वाद हो गया किसी का ये बहुत बढ़िया जो सच में कुछ बयान नहीं कर सकते बता नहीं सकते कितना अच्छा लगता है तो अभी कोचिंग क्लास की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे आपने बताया 20 साल आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको बहुत सारे कोचिंग क्लास आपके सामने ओपन भी हुए हैं और क्लोज भी हुए तो एजुकेशन जो है आज के ज़माने में बहुत कमर्शियलाइज हो गए हैं अगर कोचिंग क्लास की बात करें तो कोचिंग क्लासेस और ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गए हैं तो ऐसे हाई फीस पे करना ये बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो ऐसे सिचुएशन से आप कैसे डील प्लस ऐसी कौन सी यूनिक टेक्निक है जो आप अप्लाई करते हैं आपके स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए क्योंकि हर एक स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल लेवल सेम नहीं है तो कोई यूनिक टेक्निक आप यूज करते हैं हमने जब क्लासेस स्टार्ट किया था तो सिर्फ हमारा मकसद ये नहीं था कि हमें इनकम और कमाई हो बल्कि यह था कि जो पुअर फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं जो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं उनको कम से कम फीस में हमको अच्छे से अच्छे एजुकेशन और गाइडेंस दे सकें हमारा मकसद यही था और उसी पर आज हम लोग वर्क भी कर रहे हैं हर साल अगर कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और फीस नहीं भर पाते हम लोग उसकी फीस माफ़ भी कर देते हैं जैसे कोई बच्चा है और उसके पापा हैं तो वो बच्चा छोटा था तो उसके पापा का डेथ हो गया तो उसकी मम्मी कैसे भी उसको पढ़ा मतलब थे घर का जो कंडीशन को देखते हुए जब जितना भी उनसे मन पड़ता है करती है लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे तो ऐसे करने से हमने क्या किया है बच्चों की फीस पूरी तरह से माफ़ कर दिया कि हम क्लासेस में बच्चे का फीस नहीं लेंगे आप बच्चों को भेजो अगर उसे पढ़ने की इच्छा है हम उसको पढ़ाएंगे निःशुल्क कोई फीस नहीं चाहिए ऐसा हमने किया अलग से टेक्निक जैसे मैंने आपसे पूछा टेक्निक क्या पहले बच्चे अगर हमारे पास आते हैं जो पढ़ते हैं तो उनको पहले देखा जाता है कि क्या वो नहीं कर पा रहे जैसे हमने मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया है अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम कहाँ है क्या वो ऐड नहीं कर पा रहे सबट्रैक्ट नहीं कर पा रहे या डिवाइड नहीं कर पा रहे तो उस लेवल पे जाके समझाने की कोशिश करते हैं मानो अगर कोई मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या वो टेबल रन कर पाया है क्या टेबल उसको आता है क्या अगर टेबल नहीं आता तो पहले हम टेबल उसको रन करवाते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड सिखाते हैं इस तरह से बेसिक लेवल से स्टार्ट करके फिर हम बच्चों को पूरा सिलेबस का कवर करते हैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम बेस क्लियर करते हैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ पे किस लेवल पे है तो उनके लेवल से उनको नेक्स्ट लेवल में कैसे लेके जाना है वो आपका काम बिल्कुल एक्चुअली एक टीचर वैसा ही होता है जनरल जैसे हमने पढ़ा है कि प्लस आपने ही जो बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की फीस भी माफ की आपने क्योंकि आजकल जब पैसे नहीं होते तो एजुक्रेशन भी नहीं है ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया बट इट्स रियली ग्रेट हियरिंग फ्रॉम यू दैट यू डजंट यू जस्ट अलाउ टू स्टडी नॉट टू पे दैट्स रियली अ ग्रेट पार्ट ऑफ यूर्स तो प्रोफेसर आपने देखा होगा अभी आप 20 इयर्स बैक और अभी भी ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो चेंज होते जा रहा है ह्यूमन बीइंग्स आर इवन ग्रीडी वंस दे अचीव समथिंग सो आपने भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ तो आपकी लाइफ का ऐसा कुछ माइलस्टोन आपने नेक्स्ट सेट किया है जो आप अचीव करना चाहते हैं कमिंग ईयर में या 5 इयर्स ऑफ द लाइफ व्हाट डू यू वांट टू मेरा आगे का इरादा बस ये है कि टीचिंग फील्ड में ही और ग्रोथ किया जाए और यहाँ तक कि मेरे साथ जो रोहित शर्मा जी हैं उनका मेन प्लान है कि गुरुकुल टाइप का यहाँ पे एजुकेशन स्टार्ट किया जाए अगर प्लानिंग वो कर रहे हैं
कभी ना कभी तो वो धीरे धीरे सक्सेस हो जाएगा। और फिर हम लोगों ने न्यायिक और समाज सेवी संस्था स्टार्ट किया है, संवाद फाउंडेशन। और गोविंद सर का व्यू है कि इसी के जरिए जितने भी गरीब बच्चे हैं कम से कम उनके लिए तो फ्री में एजुकेशन हो जाए। जो आज वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनके उनको काफ़ी फी देना पड़ता है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कम से कम कि यार निःशुल्क या पूरी तरह से बिना पैसा दिए उनको पूरी एजुकेशन मिल पाए। और गुरुकुल के तहत मतलब जैसे पुराने सिस्टम में पुराने समय में जो पढ़ाई होती थी उस तरह की पढ़ाई, न कि आज कल किसी पे देखते ना कि पढ़ाई सिर्फ नाम के लिए बस स्कोरिंग, तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए बस, नॉलेज नहीं रहता, तो हमें उस तरह का नहीं करना। हमें जो पुरानी परंपरा है उसको भी देखते हुए उस तरह का एजुकेशन देना। अगर गुरुकुल शुरू हो गया तो ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प होगी, क्योंकि आजकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है अपने आगे चल के अचीवमेंट्स के लिए। तो सर अभी तक बहुत सारी सीरियस बातें हो चुकी है, आपने बहुत सारा नॉलेज शेयर किया हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस। तो एक थोड़ा सा फन इंसिडेंस हो जाए, मैं आपको रैपिड फायर सेशन में आपको वर्ड बोलूँगी, जो भी चीज़ आपके दिमाग में पहले आती है मुझे आप इमिजिएटली बताएं। ओके सर, स्टूडेंट प्रतीक्षा मौर्य, नॉलेज ऑन टू एक्सप्लोर, एजुकेशन MBBS, ड्रीम बिकम अ डॉक्टर, सक्सेस टू बिकम फ्री टेंशन, एक्सपीरियंस 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग, फ्रेंड गोविंद शर्मा, पैशन बिकम अ गुड टीचर, change education system. Thank you. You want to thank anybody? I want to thank everybody. Coaching classes. It is a financial company. That's really great. Any strength of yours? Teaching. Hidden talent? Maths, skill of maths. Fun? Singing, dancing. If not teaching, then what was the other option you had? अगर teaching field में नहीं होता, तो एक मैं सोचता था कोई business start करना, जैसे कोई agency तो start करना होता। Satisfaction? मैं टीचिंग से सेटिस्फाई हूँ। मनी? मनी कोई मैटर नहीं करता, जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छी सोच है आपकी एक्चुअली, क्योंकि टीचिंग इज बिकम अ कमर्शियल एंड इफ यू थिंक ओनली टू गिव नॉट टू अर्न इन दैट वे, सो इट वाज रियली फन हैविंग अ रैपिड फायर अराउंड यू। सो मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा आपने जैसे बताया अभी साल पहले आपकी कोचिंग क्लासेस चल रही थी, सो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट आया है जहाँ से आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई, और जब वो चेंज हुई तो आप किसी एक इंसान को थैंक्स बोलना चाहते हैं या उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं जिन्होंने आपको पुश किया? टीचिंग फील्ड में लाने का श्रेय तो गोविंद शर्मा को जाता है, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था आपके लिए, उन्होंने स्टार्ट करके ही ये सब सिस्टम बन किया, और उसमें बस जस्ट मैं आके यहाँ पे टीचिंग करना स्टार्ट किया, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करना था क्लासेस के लिए वो सब कुछ गोविंद शर्मा ने ही किया है, मेरे खास मित्र हैं। आज वो इस यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं और कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और उनकी एक उनकी कंपनी है TVD, वहाँ पर वो भी कर रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे क्लासेस में, अब इसमें क्लासेस को पूरी तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ, और दूसरे भी टीचर्स हैं जो मेरे हेल्प करने के लिए हैं, तो क्लासेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे हम लोग इस क्लासेस को और भी बड़ा करके उनके ब्रांच वगैरह ओपन करना चाहते हैं, और जल्दी हो जाएगा, हमने प्लान कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर में एक ब्रांच ओपन होगा इसी भिवंडी शहर में। आपने जैसे बताया कि आपने चीज़ें प्लान करी और आप एग्जीक्यूट करने के लिए ऑलरेडी आपने चीज़ें सोच के रखी,
तो आज अभी एग्जाम्स का टाइम आ रहा है, आपके 10th वर्ग के एग्जाम्स हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्लान करते हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो उनके माइंड में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है। तो इसमें जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो ऐसे कौन से स्टेप्स आप उनको बताना चाहेंगे कि ये स्टेप्स फॉलो करें आप, और इससे जो है आप एग्जीक्यूशन लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये पढ़ाई तो सिर्फ 1-2 दिन की नहीं होती, पूरे साल भर की पढ़ाई होती है। और साल भर जो हमने पढ़ाई किया है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए जो एग्जाम के टाइम पर सिर्फ उसे देखो कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या है, उसको माइंड में रख करके एग्जाम देना है। अगर हमने साल भर पढ़ाई नहीं किया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरे साल भर का, साल भर हमें स्टेप बाय स्टेप करना रहता है। अब स्टार्ट अगर कल पेपर है तो 1 दिन पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ वही चीजें जो हमने पढ़ी है उसको देखना है, फिर से एक बार रिमाइंड करना है और जाके एग्जाम देना है, बस ये कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सजेशंस आपने शेयर किए हमारे स्टूडेंट्स के साथ। आई होप ये हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगा। So thank you so much. I hope next time भी आपसे मुलाकात होगी। So friends, जैसे कि आपने सुना रमेश सर ने steps बताए कि अभी studies का time आ रहा है, आप कैसे अपने plans को execute कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ें ये है कि पढ़ाई 1 दिन पहले नहीं होती है, ये start होती है 1 year पहले, वही चीज़ें आप revise करते हैं। So I hope this helps you. And this will actually, if you apply this in your execution part, of course you may score a good marks. You can gain a knowledge which is very important in the education system. So thank you so much for watching us. Please subscribe our channel. Like, share and subscribe our channel. We'll keep on coming with such more motivational things which will help you to surely grow in your life. Thank you so much for having us on the show.